आज मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर बटर मसाला। उसके पहले मैं कढ़ाई ले लिया, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। तेल गर्म होने में उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, इलायची, लौंग एंड जीरा से डाल दूँगी। उसके बाद उसमें प्याज टमाटर डाल के उसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करना है उसमें, उसमें थोड़ा हरी मिर्ची भी डाल दिया मैंने। जब तक इसमें गल गया तब तक अच्छे से इसको फ्राई करना। अभी इसमें थोड़ा पीनट देंगे और काजू भी यूज कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए ना खुद को पीनट में स्मेल आता है। उसके बाद पनीर को थोड़ा सा क्रीम बनाना चाहिए, आपके पास पहले क्रीम बनाना है तो थोड़ा पनीर काट के उसमें थोड़ा सा पानी दे के उसको मिक्सी में ब्लेंड कर लें, तभी वो क्रीम बन जाता है। अभी वो प्याज टमाटर फ्राई कर लिया था अच्छे से, उसको ठंडा करके फिर बाहर उतार के रखेंगे। तब तक मैं पनीर को फ्राई कर लेंगे और ब्लेंड भी कर लिया जो मैंने निकाला था। अच्छे से लाल लाल करके फ्राई करके इसको उबाल लेंगे। फ्राई करके इसको उतार लूँगी। उतारने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा फिर से जीरा डाल दूँगी। कढ़ाई में तेल में जीरा डालेंगे, थोड़ा सा मैंने प्याज काट के रखा था बारीक बारीक से, वो भी डाल दिया। डाल वो तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हल्का सा लाल लाल हो जाएगा तो तब इसमें मसाला डाल देना है। अभी ये लाल लाल हो गया, इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने जो ग्रेवी बनाया था वो उसमें डाल देना है। लास्ट में इसको अच्छे से, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि कुछ कच्ची भाप रह जाए तो वो निकल जाए। अभी भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं जो पनीर फ्राई करके रखा था वो डाल दूँ, डाल के थोड़ा सा उबालने दूँगी इसको।
और इसमें थोड़ा सा आपका टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना है, भाई को मिक्स कर लेना है। अभी जो क्रीम बना के रखा था पनीर से उसको डाल लेंगे इसमें। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो बटर है वो डाल दिया, डाल के मिक्स कर दूंगी। फाइनली रेडी इज माई बटर पनीर।